हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन, है ना? उम्मीद करती हूँ तुम लोग सब घर पे ही होगे और सुरक्षित होगे, ठीक है? और लेशन 1-2 कंप्लीट हो गया? स्टैंडर्ड 5, आई एम आस्किंग यू ऑलरेडी फिनिश्ड लेशन 1-2 क्वेश्चन आंसर? ओके, दस गुड, फिनिश दस गुड ना? अगर नहीं किए हो तो फटाफट कंप्लीट करना, क्योंकि आप बोलोगे लेशन 2 का क्वेश्चन आंसर तो मिला नहीं है, मिल जाएगा, ठीक है? और मिल गया तो लर्न कर लेना, ठीक है? लेशन 2 कंप्लीट हो जाए आपका तो लेशन 2 का हार्डवर्क भी सेंड कर दूंगी, वो सब लर्न करना, मेरे को व्हाट्सएप में फिर फीडबैक देना कि हाँ मैडम ये मेरे को समझ में नहीं आया। मैं सारे का देखूंगी क्वेश्चन आंसर, ठीक है, कि मैडम हाँ मेरे को समझ में आ गया, कि हाँ मैडम मैंने लिख लिया सब कुछ, ठीक है? स्टैंडर्ड 5 वेलकम। रिलेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपके कौन सा बुक है? रिमझिम बुक। बुक का पता भी है कौन सा पढ़ रहे हो? रिमझिम बुक। पांचवी कक्षा के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीसरा रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ने से पहले मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बता दूं, फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है? खिलौने वाला। आपका थर्ड रिलेशन है खिलौने वाला। पता है खिलौने वाला क्या होता है? खिलौना वाला मतलब जो खिलौने लेके बैठता है, मतलब बेचने आता है ना, जो तरह तरह का खिलौने बेचता है। देखिए हो कभी घर के आसपास आप तुम लोग आए हैं कि कौन सा खिलौना है? हाँ, गुड़िया लेके, छोटे छोटे गुड़िया लेके आया होगा, एक म्यूजिक टाइप का जो छोटे बच्चों का खिलौना है जिसमें साउंड होता है वो होगा, है ना? तरह तरह का खिलौना होता है, तो आते हैं तुम लोग, देखे हो कभी? अभी तो बंद होगा ना, अभी घर से तो निकल नहीं सकते, बट उससे पहले तो देखे होगे ना कि हाँ रास्ते में चलते हैं, हाँ खिलौने वाले जा रहा है, बलून वाला लेके बलून जा रहा है, खिलौने वाला इतने सारे गुड़िया लेके जा रहा है, इतना सारा डॉल है, छोटा छोटा क्या बोलते हैं एनिमल्स का, छोटा छोटा मतलब चाबी देने वाला खिलौना होता है ना। तुम लोग कहीं गए होगे घूमने के लिए मम्मी पापा के साथ, देखोगे वहां पे, ठीक है? तो हम लोग वही इसी टाइप का खिलौने वाला है, ये आपका थर्ड लेशन है। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है? चलो आप पेज नंबर 20 निकालो, स्टैंडर्ड 5 रिमझिम बुक के पेज नंबर 20। मैंने यहाँ पे मैं आपको ये वाला पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगी, बाकी मैं आपको भेज दूंगी लिंक, उसमें आप रेट 1 by 1 कर लेना। आप ये आप देख लो मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है? वैसे एक बार पढ़ लेना। खिलौने वाला समझ में आया? जो खिलौना बेचता है ना, डॉल या फिर आपका जितने खिलौना किसी भी टाइप का हो सकता है ना, चाहे वो किसी एनिमल्स का हो गया, गुड़िया हो गया, है ना? डॉल को हिंदी में गुड़िया ही बोलेंगे ना, गुड़िया हो गया, तुम्हारा डॉग हो गया, कैट हो गया, छोटे छोटे जो चाबी देके जो साउंड होता है अच्छा सा, है ना? तो वैसे ही टाइप है, ये खिलौने वाले के ही है। आपके तुम्हारी जो है ये वाली एक पोएम है, सुनते हैं कविता। वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। ठीक है, ऐसे क्या है कि यहाँ पे पिंजरे वाले तोते की बात बोली गई है ना, मोटर वाले गाड़ी की बात बोली गई है, तरह तरह के जो खिलौने, जो चाबी देके मैंने अभी बताया ना, चाबी देने से जो साउंड होता है वो वाले खिलौने वाले की बात बताई गई है। गुड़िया भी है बहुत भोली सी, पहने कानों में बाली छोटी, छोटा सा टी शर्ट है, टी शर्ट बोले तो छोटा सा शर्ट है, ठीक है? छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे लूटा थाली होते ना, जो बर्तन ही होते छोटे छोटे जिसमें छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, छोटे छोटे देखा है कभी? वो वाले की बात बताई गई है, ठीक है? छोटी छोटी तलवार, छोटी छोटी तलवार होते जिसमें छोटे वाले, जो ये खिलौने वाला है ना, तो छोटे छोटे हर चीज लेकर आता है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वो रहा पुकार, मुन्नु ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। ठीक है, ये वाला मैंने सिर्फ यही लाइन पढ़ाया, तो मैं क्या पेज नंबर 20 बच्चों, ठीक है? देखा आपने, ये पेज नंबर 20 जो है आपका बुक का 20-21, ठीक है? ये अच्छे से आपको रीड करना है, अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है? दूसरा इसका क्वेश्चन है, मैं आपको करके लिंक भेज दूंगी, ये आपको रीडिंग के साथ आप रीडिंग कर लेना, फिर इसको अच्छे से हैंडराइटिंग से लिख लेना, ठीक है? 20-21।
इसमें कोई डाउट हो रीडिंग में तो मैं रीडिंग वन बाय वन भेज दूंगी आपको, रीडिंग करके वो आप लोग देख लो, ठीक है। चलो फिर हम लोग देखेंगे। अभी क्या है, मैंने इसमें कुछ आपकी किताब से मैंने कुछ कठिन शब्द लिखे हैं, ठीक है, ठीके? आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो। मैंने 10 लिखे हैं, इससे ज्यादा ही होंगे इसको जो आपको पढ़ने नहीं आएंगे, जो हार्ड लगते होंगे ना, बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रहा, वो एक काम करो अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। चलो आओ फिर देखते हैं। एक नंबर में, वन नंबर में खिलौने वाला, खिलौना वाला। इसमें देखेंगे ख में ई की मात्रा, ल में ओ की मात्रा, न में आ की मात्रा, खी ल ना, खिलौना वाला, ठीक है, खिलौना वाला हो गया। दो में पिंजड़े, तीन में गुड़िया, चार में पैसे, पांच में बिल्ली, छह में तपसी, सात में असुरो, आठ में पाऊंगा, नौ में जाऊंगा, दस में मनचाही, मनचाही हो गया। ये 10 मैंने लिखा है, इससे ज्यादा अगर नहीं समझ में आप अंडरलाइन करके खाता पे लिखो। अब होमवर्क देख लेते हैं बच्चों, क्या है, रीड लेसन 3 3 टाइम्स। ये जो मैंने आपको खिलौने वाला पढ़ाया आपको 3 बार पढ़ना है, ठीक है। अब ज्यादा भी पढ़ सकते हैं बट 3 बार मिनिमम पढ़ोगे ना तो आपको जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ पाओगे, आपको याद कर पाओगे। जैसे कैसे, वो देखो माज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। स्पीड में पढ़ना है, ठीक है, ऐसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना अभी, वैसे स्पीड में पढ़ना। पहले रुक रुक के पढ़ना जैसे मैं थोड़ा सा दिखाया, फिर स्पीड में धीरे। तो अब क्या है ना, बिना देखे भी पढ़ सकते हो, है ना। देखो वो वाला पूरा ऐसे, तो 3 4 बार पढ़ोगे तो और आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी। तो हिंदी में आपकी तुम्हारी लेसन 3 की 2 नंबर राइट हार्ड वर्ड लेसन 3। ये हार्ड वर्ड कठिन शब्द मैंने लिखा है, इससे ज्यादा हो तो आप वो वाला भी कॉपी में लिखो, ठीक है, समझ में आ रहा। स्टैंडर्ड 5 देन रिविजन लेसन 1 2 क्वेश्चन आंसर। आपको जो 1 2 का क्वेश्चन आंसर दी हूँ वो रिवाइज करना, मैं बीच बीच में चेक करूंगी, क्वेश्चन आंसर कुछ लिख के भेज दिया करूंगी, आप उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपके वर्कबुक में है, वर्कबुक में करवाऊंगी, पहले ये 3 लेसन मैं कम्प्लीट कर दूँ, फिर वर्कबुक का मैं आपको होमवर्क देते जाऊंगी 1 1 पेज करके, आप उसको करते रहिए बच्चों। मैंने ऐसे भी दिया है, वो भी आप करो करके मेरे को व्हाट्सएप में, उम्मीद करती हूँ स्टैंडर्ड 5 के सारे बच्चे, है ना, आप व्हाट्सएप में मेरे को रिप्लाई देना कि मैडम ये मैंने होमवर्क कर ली है, आप मेरे को बता दो, मैं सबका चेक करूंगी, ठीक है। अब जब स्कूल खुलेगा मैं पूछूंगी एक एक करके कि आप कितना किए हैं क्लास में, ठीक है। तो वही, उससे पहले आप क्या करना, व्हाट्सएप में मेरे को बताना कि मैम ये वाला कम्प्लीट हो गया, एक बार मेरे को शो करना, समझ में आ रहा है। क्लास 5 स्टैंडर्ड 5, अब आप लोग ये वाला करके मेरे को होमवर्क करके मेरे को व्हाट्सएप में दिखाइए। कोई भी डाउट हो कि नहीं मेरे को मेरा रीडिंग नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मेरे को समझ में नहीं आया मैडम समझा दो, मैं समझा दूंगी, ठीक है। और घर पे रह के करना है, बाहर मत निकलो, ठीक है ना। अभी क्या है ना, अभी तो पता ही है ना कैसा है कि बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। तो इसके वजह से घर पे रह के मम्मी पापा का बात सुनो, क्लास स्टैंडर्ड 5 हो गए, थोड़े बड़े हो गए ना, तो समझदार होने चाहिए, तो घर पर रहकर ही पढ़ाई करो और होमवर्क करके सब्जेक्ट वाइज जो जो टीचर आपको दे रहे हैं वो सारे करके उनको रिटर्न दिखाओ व्हाट्सएप में, और समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 3 खिलौने वाला। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसके साथ ही देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है, हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। तो बच्चा है वो अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ आज फिर से खिलौने वाला आया है और वो कई तरीके के सुंदर सुंदर नए नए खिलौने लाया है। उसका जो पिंजरा है, उसके पास एक पिंजरा है, उस पिंजरे में क्या है, तोता है और एक गेंद है जो कि 1 पैसे की है, और एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी है जो सर 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 चलती है। सीटी भी है उसके पास कई तरीके की, कई तरीके के सुंदर खेल हैं, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल, बहुत सारे उसके पास खेल हैं और चाबी भरने से क्या है जो रेल है चल जाती है वो भी उसके पास है। गुड़िया भी है बहुत भोली सी, पहने कानों में बाली है, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, और उसके पास गुड़िया भी है जो बहुत ही भोली भाली सी लगती है और उसने अपने कानों में बाली पहनी हुई है, ये देखिए। और उसके पास क्या है, टी सेट भी है, उसमें क्या है छोटी छोटी सी लोटा और थाली है उसके टी सेट में, छोटे छोटे से धनुष बाण हैं और छोटी छोटी तलवार भी है, धनुष बाण है और तलवार भी है। नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर से वह रहा पुकार, और खिलौने वाला क्या पुकार रहा है कि जो है खिलौने तुम सब आ करके ले लो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने
मोटर गाली गाड़ी मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। अब जो है मुन्नू ने एक गुड़िया ले ली और मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली। अब सरला जो है वो माँ से कह रही है कि तुम एक साड़ी ले लो। माँ से लेने को साड़ी वो कहती है कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि क्या खिलौने वाला कोई साड़ी थोड़ी ना लेके आता है, साड़ी तो कपड़े वाला लेकर के आता है। अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे चार। फिर आगे है इसमें कौन खिलौना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार। फिर वो कहते हैं कि तुमने मुझे पैसे ला करके दे दिए हैं अब मैं कौन सा खिलौना लूँ वो जो है तुम भी मन में विचार करो और मुझे बताओ। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल पर माँ यह मैं कभी ना लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। फिर वो जो बच्चा है वो कहता है कि माँ तुमको लगता है कि मैं तोता ले लूंगा बिल्ली ले लूंगा मोटर या रेल ले लूंगा मगर मैं ये कभी भी नहीं लूंगा क्योंकि ये जो है बच्चों के खेल हैं। मैं तलवार खरीदूंगा माँ या मैं तलवार खरीदूंगा माँ या मैं लूंगा तीर कमान जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम जमान। फिर बच्चा कहता है कि मैं तलवार लूंगा या तीर कमान लूंगा और जैसे राम ने ताड़का को मारा था उसी तरीके से मैं किसी राक्षस को मार दूंगा। तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। और फिर वो कहते हैं कुछ दिन मैं ऐसे ही करता रहूंगा जानवरों को मतलब असुरों को जो राक्षस होते हैं इनको मारता रहूंगा और एक दिन जो है ऐसे काम करते करते मैं भी रामचंद्र बन जाऊंगा। फिर यही रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यही बनाऊंगा तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा किससे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। तो बच्चा कहता है कि मैं अगर वनवास में जाने को कहेंगे तो चला जाऊंगा और तुमको अपनी जो है कौशल्या माँ बना लूंगा। फिर बच्चा कहता है कि वन में जाकर मैं हंसते हंसते चला तो जाऊंगा मगर तुम्हारे बिना माँ वन में मैं रहूंगा कैसे, दिन भर मैं जंगल में घूमूंगा तो मगर रात में मतलब बाद में वापस किसके पास आ जाऊंगा और पैसे किससे लूंगा और मैं रूठ जाऊंगा नाराज हो जाऊंगा तो मुझे मनाएगा कौन और कौन प्यार से मुझे अपनी गोद में बैठा करके मेरी मनचाही चीजें देगा। तो बच्चा ऐसी जो है वो बातें करता है। अब ये पोयम हो गई हमारी, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कविता और तुम्हें किसी ना किसी बात पर रूठने के मौके मिलते ही होंगे तो इसका क वाला है अक्सर। तुम किन बातों पर रूठती हो, किस किस बातों पर रूठती हो आप? तो जब हमें कोई डांट देता है या हमारी मनपसंद चीज़ या वस्तु हमें नहीं मिलती है तो क्या करते हैं हम रूठ कर बैठ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसका ख, माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाता है? तो माँ के अलावा आपको घर घर में जब आप रूठ जाते हैं कौन कौन मनाता है? तो घर में माँ के अलावा पापा दादी दादा बड़े भाई बहन हमें मना लेते हैं, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमें ऐसे कोई त्यौहार हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुरे पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं, ऐसे त्यौहारों के बारे में उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो आप कह सकते हैं जो रामायण की कहानी है वो बुराई पर अच्छाई की जीत है और जो महाभारत की कहानी है तो इनमें से कोई भी आप कहानी सुना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा, तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? तो बहुत सारी कह सकते हैं कि वो एक आज्ञाकारी पुत्र थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो बहुत बहुत ही मतलब अपने काम को बहुत ही दृढ़ता से और मेहनत से करते थे, ये बातें हमें अच्छी लगी। अब इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ वाला है कि नीचे दिए गए भाव कविता के जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटकर बताओ। तो खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, तो बच्चा क्या कहता है कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है, तो ये जो है ना कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है ये क वाले का उत्तर हो जाएगा। ख है खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है,
तो कैसे पता लगता है हमें कविता से? जोर जोर से वह रहा पुकार, जोर जोर से रहा पुकार, इससे हमें पता लग जाता है। ग वाला है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो वो बच्चा पूछता है माँ से कि माँ मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, ये कौन सी पंक्ति से हमें पता लगता है? तो कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तो कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, इससे हमें पता लगता है। ख है, माँ के बिना कौन बनाएगा और कौन गोद में खिलाएगा, तो ये किससे पता लगता है? तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोद में, तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोद में, तो ये हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। फिर ये है, मूंगफली ले लो, मूंगफली इस तरीके की जो मोहल्ले में, और कौन कौन सी आप सुनते हैं फेरी वालों की आवाज़ें, तो सब्जी वाले की सुनते हैं, तो वो आलू ले लो, बैंगन ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी, तो सब्जी वाले की आवाज़ सुनते हैं। फिफ्थ वाले के आंसर जो है कबाड़ी वाला, वो बोलता है कबाड़ बेच दो, ऐसे करके। कपड़े वाला सूट साड़ी ये सब ले लो। फल वाला केले अच्छे हैं, संतरे संतरे ले लो, इस तरीके से फल वाला, सब्जी वाला, कपड़े वाला, कबाड़ी वाला, इन सब की आवाज़ें हमें सुनने को मिलती रहती हैं। तो फिर आपको कौन कौन से खिलौने पसंद करेंगे तो आप बता सकते हैं, कहीं आप खिलौने लेंगे तो जो भी आपको पसंद है, आपको गुड़िया पसंद है तो गुड़िया बोल दीजिए, फिर आप रेलगाड़ी ले सकते हैं, धनुष बाण ले सकते हैं, ऐसे जो है आप कह सकते हैं कि ये खिलौने हम लेंगे, तो आप बता सकते हैं। फिर तो अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलते हो आप? बहुत सारे खेलते होगे, गुड्डा गुड़िया से खेलते होगे, और आप छुपन छुपाई खेलते होंगे, है ना, क्रिकेट, फुटबॉल, लूडो, चेस, ये सब आप खेलते होंगे ना, तो ये सब आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, हमें जो है संज्ञा, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखिए और संज्ञा, मतलब हमें संज्ञा बतानी है इसमें कि कौन कौन सी है। तो पान वाले में संज्ञा क्या है? पान। पान वाले में संज्ञा पान है। दिल्ली वाली में संज्ञा है दिल्ली। और पांच बजने वाली, इसमें विशेषण क्या है हमारा? इसमें हमारा पांच जो है वो विशेषण है। हमें इसमें क्या क्या बताने हैं? संज्ञा, क्रिया, विशेषण, ये सब बताने हैं। तो पांच विशेषण है। बोलना, बोलने वाली में जो है बोलने, बोलना जो क्रिया है हमारा। दाढ़ी वाला में क्या है? दाढ़ी संज्ञा है। ऊपर, ऊपर वाले में जो ऊपर है क्या है? वो क्रिया है। और रात क्या है? रात हमारी संख्या हो जाती है। तो ये वाले हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, इसकी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक